हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीमा शर्मा। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो आज से हम जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि मैं स्क्रिप्ट कब स्टार्ट कर रही हैं, तो मैंने सोचा स्क्रिप्ट ही स्टार्ट कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए हमें HTML और CSS कम से कम बेसिक तो आना चाहिए, तो उसका मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। पर जावास्क्रिप्ट ही क्यों पढ़ना है, क्यों सिलेक्ट करना है? तो जावास्क्रिप्ट आजकल के टाइम पे बहुत डिमांड में है। ठीक है, जो top 3 लैंग्वेजेस है वो है आपका जावा, पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट तो हर जगह ही यूज होता है। ठीक है, चाहे वो आप बैकएंड ले लो, चाहे वो फ्रंट एंड ले लो, जावास्क्रिप्ट हर जगह यूज होता है। तो पहला टॉपिक है व्हाई जावास्क्रिप्ट। देखिए, जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट स्टेटिक पेज इनटू इंटरैक्टिव वन। ठीक है, तो जो जावास्क्रिप्ट है, इस इंटरैक्टिव वन का मतलब अभी बताते हैं। देखिए, जो स्टैटिक पेज होता है वो आपका क्या होता है, एक हमने वेबसाइट बनाया यूजिंग HTML और CSS। तो क्या हो रहा है, वो हम जो डेवलपर है वो उसको डेवलप करके मान लीजिए होस्ट कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, और वो आपको सर्वर में दिख रहा है, बट आप उसमें यूजर उसमें कुछ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बस यूजर उसको रीड कर रहा है। तो कुछ इवेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसके हेल्प से, लाइक जैसे ऑन क्लिक होता है, ऑन चेंज होता है, उस तरह से उसके हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग से उस वेब पेज को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। लाइक अगर हम बैंक का फॉर्म भरते हैं तो आप उसमें क्या कर रहे हो, आप टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर पा रहे हो ना, और उसके बाद टाइप करके उसको सेंड कर दे रहे हो। ठीक है, तो जब आप क्लिक कर रहे हो तो वो क्या कर रहे हो, वो जावास्क्रिप्ट जैसे ऑन क्लिक पे आप खुद भी कुछ कर पा रहे हो वेब पेज पे, तो उसको बोलते हैं इंटरेक्टिव वन, कि आप भी कुछ कर पा रहे हो। ठीक है, मान लेते हैं एक पेज है, उसमें ड्रॉप डाउन बॉक्स में बहुत सारे कलर दिए हुए हैं। ठीक है, रेड, ब्लू, ग्रीन। तो आप रेड पे क्लिक कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका ब्राउजर का पूरा कलर रेड हो जा रहा है। जब आप ब्लू पे क्लिक कर रहे हो तो आपके ब्राउजर का मतलब ब्लू हो जा रहा है कलर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका एक इंटरेक्टिव वन बना रहे हैं हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये होता है जावास्क्रिप्ट, स्टैटिक पेज को हम इंटरेक्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका जावास्क्रिप्ट। अब देखो, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, HTML कंटेंट को भी चेंज कर देता है। जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, ऑन क्लिक पे क्या हो जाए कि जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, एक हमने डिव लिया हुआ है, उस डिव में सीमा लिखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि बटन के क्लिक पे जो सीमा लिखा हुआ है वो सीमा शर्मा हो जाए, तो वो हम जावास्क्रिप्ट के साथ साथ कर सकते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML CSS। ठीक है, तो वैसे ही हम CSS भी चेंज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के साथ में हम जावास्क्रिप्ट यूज करके हम HTML एलिमेंट्स को हाइड एंड शो भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें धीरे धीरे हम सीखेंगे। ठीक है, ये तो थोड़ा हुआ क्यों जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, JavaScript is a scripting language or programming language. इसको हम programming language भी कहते हैं. Use both on the server, on the client side and the server side. That allows you to make web pages interactive. ठीक है, server side का मतलब हो गया आपका database से related काम. ठीक है, API से डील करते हैं। API means भी आपका समझ लीजिए एक इंफॉर्मेशन स्टोर है कहीं पे, और उसको हम अपने वेबसाइट में उसको लिंक करा के वहां से डेटा फेच कर लेते हैं, वैसे ही मतलब ये हो गया। और क्लाइंट साइड का मतलब हो गया जो हम फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और पेज को इंटरेक्टिव बनाते हैं वो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, वॉट इज जावास्क्रिप्ट में ही हम देखते हैं, जावास्क्रिप्ट इज द सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, बट विद द हेल्प ऑफ इवेंट लूप एंड प्रोमिसेस जावास्क्रिप्ट इज यूज टू डू एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। देखो, जावास्क्रिप्ट जो है आपका वो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम खाना खा रहे हैं तो हम खाना ही खा रहे हैं और कोई काम नहीं कर सकते, जब खाना खत्म हो जाएगा तो हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। एक अब खाना खाने के साथ साथ हम पढ़ाई कर सकते हैं, वो मल्टीटास्किंग हो गया। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट देखिए, एसिंक्रोनस का मतलब होता है एक काम हो रहा है तो वो काम खत्म होने के बाद ही दूसरा काम शुरू हो जाएगा। जैसे मशीन जो है, मशीन में एक प्रोसेस चल रही है, तो जब तक वो प्रोसेस खत्म ना हो जाए तब तक दूसरा प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। बट इवेंट लूप के साथ में और प्रोमिसेस के साथ में हम क्या कर सकते हैं, अपने जावास्क्रिप्ट को सिंक्रोनस बना एसिंक्रोनस बना सकते हैं कि पैरेलली काम हो सके। जैसे अगर
प्रोसेस वन चल रहा है तो साथ में कुछ मतलब सेकंड बाद या कुछ साथ में ही आपका प्रोसेस टू भी चले, ठीक है। तो इस तरह से इवेंट लूप हेल्प करता है आपका एसिंक्रोनस प्रोग्राम को बोलते हैं एसिंक्रोनस, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट इसमें इवेंट लूप और प्रोमिसेस वगैरह यूज करके हम इसको एसिंक्रोनस बनाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है, क्लाइंट साइड वर्क करने के लिए कम से कम हमको एचटीएमएल और सीएसएस और जावास्क्रिप्ट तो चाहिए, ठीक है। तो एचटीएमएल सीएसएस तो ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो जावास्क्रिप्ट शुरू कर रही हूँ मैं आज। और जो आपको एडिटर चाहिए, ठीक है, जावास्क्रिप्ट आप कहाँ लिखोगे, प्रोग्राम कहाँ लिखोगे, मैं रिकमेंड करूँगी वीएस कोड एडिटर। अगर आपके पास नहीं है तो आप इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होगा गूगल पे, मैंने लिखा है विजुअल स्टूडियो कोड और इस पे एंटर कर दिया है, ठीक है। तो जब एंटर कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा कोड डॉट विजुअल स्टूडियो, मतलब जो आपका वेबसाइट का लिंक है वो कोड डॉट विजुअल स्टूडियो डॉट कॉम। तो उस पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए हम लोग, मेरा सिस्टम विंडो है तो आप विंडो क्लिक करेंगे, ठीक है, और जिसका मैक है वो मैक के लिए करेगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके आप नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके बाद जब विजुअल स्टूडियो खुल के आएगा, तो जब हम विजुअल स्टूडियो खोलेंगे, ठीक है, तो वो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इसको चला लेंगे आप। उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो दिख रहे हैं एक्सटेंशन, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे आप। और यहां पे आप बेबल जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे, जावा स्क्रिप्ट, और यहां से इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लिया, यहां पे अनइंस्टॉल मैंने इंस्टॉल कर रखा है। आप इसको यहां से ना, जैसे अगर मैं इसको अनइंस्टॉल करूंगी तो इंस्टॉल लिखकर आएगा, तो वहां से आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद का काम बताती हूँ। अब हम अभी यहाँ कोई फोल्डर नहीं है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम चलेंगे ओपन फोल्डर में, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका फोल्डर खुल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है मैंने जावा स्क्रिप्ट 2.3, उसको मैं ओपन कर लूंगी। और इसमें अभी फिलहाल कुछ नहीं है, इसको मैंने खोल लिया, ठीक है। वैसे ये सब चीजें आप कमांड के थ्रू, सीएमडी कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, फिलहाल आप ऐसे ही करिएगा। तो यहां पे आपका मेरा फोल्डर खुल के आ गया। अब क्या करेंगे, यहां पे एक फाइल लेते हैं इंडेक्स, यहां पे एक फाइल लेते हैं इंडेक्स, ठीक है। डॉट, देखिए एचटीएमएल होता है तो हम डॉट एचटीएमएल से सेव करते हैं, सीएसएस होता है तो डॉट सीएसएस से करते हैं, और ये जावा स्क्रिप्ट है तो डॉट जेएस से करेंगे, ठीक है। तो एंटर कर दिया, अब ये आपका जेएस फाइल बन गया। अब आपको यहां से कोड एग्जीक्यूट कराना है, तो पहला कोड हम लोग लिखते हैं। इससे पहले मैं ये कोड लिखूं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी, देखिए। ये एक प्रोग्राम पहले से ही लिखा हुआ है W3 स्कूल में, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है टर्न ऑन द लाइट एंड टर्न ऑफ द लाइट। अब देखिए इस पे मैं क्लिक करूंगी तो ये लाइट जल जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, यूजर भी कुछ कर पा रहा है ना उस वेब पेजेस पे, लाइट को जला पा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, इंटरैक्टिव वन। अब यहाँ पे बंद कर रहे हैं तो भी यूजर कुछ कर पा रहा है, तो इसी को कहते हैं इंटरैक्टिव वन। और भी इस तरह से कई सारे हम काम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो इसका मतलब यही था इंटरैक्टिव वन का मतलब। तो इसको क्लोज कर देती हूँ और अब चलते हैं हम वीएस कोड एडिटर में। ये फाइल बना लिया, इसको मैं जूम कर लेती हूँ, ठीक है। अब इसको रन कैसे कराते हैं, सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट में कुछ प्रिंट कराते हैं, तो मैं करती हूँ लॉग, देखिए कुछ प्रिंट कराते हैं तो कॉन्सोल, ठीक है, डॉट लॉग, ये ले गए पैरेंथेसिस में सिंगल कोट्स में आपको क्या प्रिंट कराना है, तो मैं नमस्ते इंडिया करती हूँ, नमस्ते इंडिया, इसको हम आउटपुट कैसे देखेंगे। देखिए आउटपुट आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला चीज, यहां तो सबसे पहले एक एचटीएमएल फाइल लेते हैं, इंडेक्स डिफॉल्ट डॉट
HTML फाइल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जिस हिसाब से सही लगे, ठीक है। ये मैंने HTML फाइल लिया, यहाँ पे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ये ले लिया। अब क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट को लिखने के तरीके होते हैं, या तो आप एक सेपरेट, जैसे CSS में हम क्या करते हैं, CSS के लिए एक सेपरेट फाइल में हम क्या करते हैं, CSS लिखते हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट को हम एक सेपरेट फाइल में लिख सकते हैं, जैसे index.js फाइल बनाया, और हम लोग क्या करते हैं CSS में फाइल बनाने के बाद उसका लिंक देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका लिंक दे सकते हैं, ये यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा, यहाँ पे लिखेंगे src, ठीक है, और यहाँ पे हमारे फाइल का नाम है इंडेक्स, किसी फोल्डर के अंदर नहीं है तो फिलहाल ये कोई नहीं है, index.js लिख दिया, ये तो काम कर सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, हम यहीं पे ऐसे स्क्रिप्ट फाइल ले लेंगे, ठीक है, और इसके अंदर सारा क्या लिख देंगे हम, जेएस, जो भी हमको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होगा, तो इस तरह से कर सकते हैं फिलहाल। और मैं इसको आपको रन कर, यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया, अब मैंने ये आउटपुट लिखा कहाँ पे है, ये जो मैंने कोड लिखा है दिखाने के लिए कहाँ पे लिखा है, ये कॉन्सोल पे लिखा है, तो हमें कॉन्सोल पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसका कॉपी पास्ट करती हूँ और सीधे जाती हूँ मैं ब्राउजर पे, ठीक है, यहाँ पे आ गई और मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे हेलो, सॉरी, नमस्ते इंडिया लिखकर नहीं आ रहा है, वो कॉन्सोल पे लिख के आएगा। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, ये काम करती हूँ मैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट इंट्रो, इंट्रो जावास्क्रिप्ट इंट्रो हो गया, अब इसको यहाँ पे रन कराती हूँ, तो ये देखिए आपका इंट्रोडक्शन लिखकर आ गया जावास्क्रिप्ट में। अब हमको जाना है कॉन्सोल पे, तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएंगे, ठीक है, इस तरह से देखेंगे हम अपना आउटपुट। और दूसरी तरह अभी बताती हूँ, इसको भी जूम कर लेती हूँ मैं, कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट क्लिक किया और हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे गए, उसके बाद यहाँ आ गए, यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉन्सोल, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपका दिख कर आ रहा है नमस्ते इंडिया, ठीक है। वैसे यहाँ पे तो आप 1+2 भी कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे 1+2 भी कर सकते हैं, 3 दे देगा, ठीक है, यहाँ पे 5×6 कर सकते हैं तो 30 दे देगा, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और यहाँ से ये जो बना हुआ है यहाँ से क्लियर कर लेंगे हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चलते हैं अपने VS Code एडिटर में, ये तो हो गया आपका वहां ब्राउजर पे जाके रन कराने का, हम यहाँ भी रन करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैसे रन कराएंगे, यहाँ पे आप कंट्रोल और बैकटिक प्रेस करेंगे, एस्केप के नीचे आपका एक एस्केप की होता है, ES लिखा होता है, उस की के जस्ट नीचे एक ऐसा करके सिंबल बना होगा, मैं यहाँ प्रेस कर रही हूँ, ऐसा करके सिंबल बना है ये टिल्ट वाला, ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे जो एस्केप के नीचे जस्ट ये सिंबल है, ठीक है, ये चाहे और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये आपका आएगा, तो इसके कंट्रोल के साथ आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका टर्मिनल आ जाएगा, ठीक है, ये, यहां पे क्लिक करके इसको साइड में भी शिफ्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, मूव पैनल लेफ्ट और राइट, तो मैं इसको राइट में करा देती हूँ शिफ्ट, तो ये देखिए यहाँ पे राइट में आ गया ये आपका, और इसमें इसको, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे cd डॉट डॉट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, मैं डी फोल्डर के अंदर हूँ, बट मेरा प्रोग्राम जो है कहीं और है, मेरा प्रोग्राम कहाँ है, मेरा फोल्डर कहाँ है, देखिए मैंने टर्मिनल खोल दिया है, ठीक है, ये कमांड प्रॉम्प्ट है, बेसिकली ये कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है। अब हमको देखना है कि मेरा फाइल कहाँ पे है, ठीक है, तो हम फोल्डर में जाते हैं, जूम अदिश्मा के अंदर जावास्क्रिप्ट टू, जूम अदिश्मा के अंदर, देखिए डी ड्राइव के अंदर जूम अदिश्मा नाम का फोल्डर है, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट 2.3 फोल्डर का नाम है, ठीक है, उसके अंदर है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, डी फोल्डर के अंदर हमारा क्या है, डी लिखेंगे, ठीक है, उस फोल्डर के अंदर जाएंगे, मतलब उसका जो पाथ है, तो पहला जूम अदिश्मा के अंदर है, ठीक है, जूम अदिश्मा लिखूंगी मैं, स्पेलिंग सही होना चाहिए उसकी, जूम अदिश्मा लिखूंगी और
एंटर कर दूंगी। तो देखिए मैं फोल्डर के अंदर जूम अधिसमा के अंदर आ गई। अब दूसरी जूम अधिसमा के अंदर एक और फोल्डर है जावा स्क्रिप्ट, उसके लिए मैं सीडी करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखती हूँ जावा, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसमें एंटर करती हूँ सीडी से, ठीक है। अब देखो मैं जूम अधिसमा और जावा स्क्रिप्ट 2.3 के अंदर आ गई हूँ। अब मेरा फाइल इसके अंदर है, अब इसको मुझे रन कराना है, ठीक है। अब रन कराने के लिए, अच्छा एक बात और सुन लीजिए, ये जो मैंने बताया था कि आपका जो टर्मिनल है, ठीक है, कंट्रोल बैकटिक से आएगा, ठीक है, वो तो आएगा ही, बट यहाँ पे आपका टर्मिनल है, ठीक है, ये मैंने जूम कर दिया है, तो इसलिए इसकी ये मैंने जूम कर दिया है, इसीलिए आपका जो मेन्यू है ये इसके अंदर भी आ रहा है। तो यहाँ ऊपर टर्मिनल दिखेगा, तो अब जब यहाँ पर टर्मिनल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू टर्मिनल आएगा, तो इस पर भी क्लिक करके अपना टर्मिनल बुला सकते हैं, ठीक है, अपना टर्मिनल ला सकते हैं। तो अभी हम फोल्डर के अंदर हैं, ठीक है। फोल्डर के अंदर कैसे जाना है और कैसे बाहर आना है मैंने बताया था। अगर किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो सीडी और उस फोल्डर का नाम, ठीक है, तो और एंटर करेंगे तो उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। अगर उस फोल्डर से बाहर आना है, ठीक है, तो आप करेंगे सीडी डॉट एंड डॉट फिर एंटर, तो आप उससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है, फोल्डर के अंदर चले गए, ठीक है। अगर आप ये फोल्डर के अंदर नहीं जाएंगे और फिर रन कराएंगे तो नहीं रन करेगा, ठीक है। तो हमें फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा जहां फाइल पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नोड, ठीक है, लिख लिया मान लीजिए, और ये आपका वो हो गया, फंस गए आप, ठीक है, तो ये एरर आ गया। अब इसको क्लीन करना है तो CLS एंटर कर दीजिए, तो ये पूरा आपका क्लीन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें लिखना NOD, नोड, ये रन कराने का कमांड है, नोड लिख दिया। अब हमारे फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम है index.js, ठीक है, यहाँ पे चलेंगे index.js, एंटर, एंटर कर दिया। अब आपका यहाँ पे नमस्ते लिखकर आ जाएगा, नमस्ते इंडिया लिखकर आ गया, ये देखिए, ठीक है। अगर आप इसको चाहते हैं यहाँ पे ऐसे मैं प्रिंट करा दूं, ठीक है, इसके नीचे मैं चाहती हूँ कि ऊपर एक लाइन आ जाए, तो इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। यहाँ पे फिर आप जब अप वाला एरो प्रेस करेंगे, ठीक है, यहाँ टर्मिनल में जाके, तो क्या होगा, आपका जो पिछला आपने जो कोड लिखा था रन कराने के लिए या फिर CLS लिखा था, कुछ भी लिखा था, वो आ जाएगा अपने आप। अब ऐसे ऐसे देखिए करने पे सब कुछ आ रहा है। अब नीचे ही प्रेस करेंगे तो नीचे मतलब वो आपका नीचे वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे एंटर करती हूँ, अब देखिए इस तरह से लिख के आ रहा है नमस्ते इंडिया। तो ये है आपका जावा स्क्रिप्ट का पेज, कैसे हम रन कराते हैं, ठीक है। तो इसको पूरा प्रैक्टिस करिएगा, तब हम कल कंटिन्यू करेंगे ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।